वो लड़का हमें कैसे घूर घूर के देख रहा है। भैया मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये हमसे क्यों मांग रहा है? अपने माँ बाप से जाकर मांग, वो दिलाएंगे तुझे कुछ खाने को। भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ गए। कोई बात नहीं बेटा, आज से तू हमारे घर में हमारे ही साथ रहेगा, ठीक है? अरे यार तुम भी किसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो, इसके माँ बाप का तो पता नहीं, कहीं ये चोर निकला तो। अरे यार ये तुम कैसे कह सकती हो, चेहरे से तो ऐसा लगता नहीं है, किसी के हालातों को ऐसे मजाक नहीं उड़ाते हैं। फिर भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, एक बार और सोच लो, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भैया आप रहने दीजिए, मैं अपना गुजारा कर लूंगा, आप मैडम को गुस्सा मत करियो। इससे हम अपने घर का कामकाज कराएंगे और उसके बदले खाना दे दिया करेंगे। देख लो तुम कह रहे हो तो एक बार आजमा कर, वैसे मुझे तो इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। छोटू ये बता तू घर का कामकाज कर लेगा? हाँ जी मैं घर का सारा काम कर लूंगा, मुझे मेहनत करके खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। चल ठीक है हमारे साथ चल। आज से घर का सारा काम तुम करोगे, लेकिन हाँ कोई गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है भैया, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। भैया आपकी मैडम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मैडम वो मेरी गर्लफ्रेंड है और अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जल्दी ही हम एक साथ रह करेंगे। और क्या हाल है धर्मवीर? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे छोटू मैडम के लिए और मेरे लिए पानी लेकर आओ। अभी लाया मालिक। ये लीजिए। अरे तुम क्या देख रही हो, पियो ना। मैं सोच रही हूँ कि कुछ हो ना जाए, इस मनहूस के हाथ का पानी पीकर, पता नहीं किस नाजायज की औलाद है। तुम भी ना हर वक्त इसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। मैं सही कह रही हूँ, इससे नजर रखना, पता नहीं ये कब तुम्हें चूना लगा कर निकल जाए। कहाँ मर गया था तू, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। मैडम मैं कुछ काम कर रहा था। ज्यादा ही जुबान लड़ा रहा है, अपनी औकात में रह, समझा? मालिक कहाँ है तेरे? वो कुछ काम से बाजार गए हैं। चला बेटे यहाँ से। आज तो मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगी, जब तक धर्मवीर घर नहीं आते मैं इससे मजे लेती हूँ। अबे इधर आ। जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। अभी लाया मैडम। तूने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। मैम साहब आपने गिलास नहीं पकड़ा और मुझे डांट रही हो। तो अब तू बताएगा मुझे कि किसकी वजह से गिराया गिलास? तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुझे आज सबक सिखा ही दूंगी। अब आया ना मजा, बहुत बोल रहा था। मैम आप अच्छी नहीं हो, मुझे बिना गलती के मार रही हो। अच्छा तो तेरी अकड़ अभी नहीं जाएगी, देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आने दे तेरे मालिक को, अगर आज मैंने तुझे घर से बाहर नहीं निकलवाया ना तो मेरा भी नाम काजल नहीं। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, नहीं तो पता नहीं आज कैसे क्या हो जाता। मतलब
कहना क्या चाहती हो? मतलब ये है कि मैंने इसे आज चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, नहीं तो ये तुम्हें चूना लगा जाता आज। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैं। मैम साहब आप मुझे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों रे, मैंने तुझे बेसहारा समझकर अपने घर में रखा और तूने इतना बड़ा धोखा किया। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये लोग होते ही ऐसे हैं, लेकिन आपने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। अब देख लिया नतीजा। अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जा निकल जा मेरे घर से। अब तुझे अनाज का एक भी टुकड़ा नहीं मिलने वाला। चल अब निकल यहाँ से। और आज के बाद अपनी मनुष्य कर लेकर यहाँ पे भटक भी मत जाना, समझा तू? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें तो चोट नहीं लगी? नहीं, पर ये लोग कौन थे? बेटा मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है और ये लोग मेरी जमीन हड़पने के चक्कर में मुझे हर वक्त मारने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। बेटा रुको। तुमने तो अपने बारे में कुछ बताया नहीं। मैं एक बेसहारा किस्मत का मारा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जिसका कोई नहीं होता है ना उसका ऊपर वाला होता है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। एक एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया और बेटा मुझे कैंसर की भी बीमारी है। मेरी जिंदगी कब चली जाए मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मेरी सारी जमीन जायदाद आज से तुम ही संभालोगे। मैं ये नहीं चाहता कि ये किसी गलत लोगों के हाथों में जाए। आपने मुझे अपना माना है और मुझ पर इतना विश्वास किया है तो मैं दिल और जान से आपकी जमीन की देखभाल करूंगा और आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल अब घर चलते हैं। देख रही हो, समय समय की बात है। कोई वक्त था जब हम पर करोड़ों की रकम होया करती थी। हाँ तुम सही कहते हो, अब करोड़ों की संपत्ति क्या, हम ही कर्जदार हो गए हैं। कल तो हमारा रहने तक का ठिकाना नहीं बचेगा क्योंकि कर्ज वाले हमारा घर तक नीलाम कर देंगे। कहाँ है हमारे घर के सौदा करने वाले, बुलाइए। अभी आ ही रहे हैं।
बस कुछ देर रुकिए। और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? अभी आते ही होंगे, मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई है। लो आ गए। यही हैं वो, इन्होंने आपके घर का सौदा किया है। राजवीर, ये लो, इसमें पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। इस बैग में पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। 4 करोड़ तुम्हारे घर के हैं और हो सके तो 1 करोड़ को गरीबों में बांट देना। आप हो कौन? आपने हमारा घर खरीद कर हमें रोड पे ला दिया है। अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो याद करो, आज से कुछ साल पहले तुमने एक गरीब बेसहारा बच्चे, मैंने इसे आज चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, नहीं तो ये तुम्हें चूना लगा जाता आज। मैम साहब, आप मुझे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा निकल जा मेरे घर से, अब तो जा अनाज का एक भी टुकड़ा नहीं मिलने वाला। चल अब निकल यहाँ से। और आज के बाद अपनी मनुष्य कर लेकर यहाँ पे भटक भी मत जाना, समझा तू? तो कुछ समझ में आया कि मैं कौन हूँ? क्या आप वही गरीब बेसहारा हो जिसको हमने अपने घर में रखा? घर में रखा, वो भी तुमने? तो ऐसा बोलो ना कि तुमने मुझे अपने घर से बाहर निकाला और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। हमें माफ कर दो, हमने आपको बहुत बुरा भला बोला। हाँ, हमें माफ कर दो। माफ कर दूँ तुम लोगों को? तुमने मुझे माफ किया था और ऊपर से मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। बचपन में जो हमने तुम्हारे साथ किया उसका हमें बहुत अफसोस है, ऐसा आगे को हम बिल्कुल भी ना करेंगे। मैंने दुखों में खुशी रहना सीखा है और उम्मीदों में खरा उतरना सीखा है। और मैडम, आप ही कहती थी ना कि मेरी कोई औकात नहीं, तो देख लो, कल मेरा बुरा वक्त मेरे साथ था और आज मेरा अच्छा वक्त मेरे साथ है। मैं सोच रहा हूँ गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। ये लो अपने घर के कागज। और हाँ, एक चीज और मैडम, आज के बाद किसी गरीब के हाथ ही मत लगा दियो, समझी?